लीजिए आपके सामने एक हंसने हंसाने का वाक्य है। हमारे पिताजी ने हमारी शादी तय करवा दी और बारात लड़की वालों घर पहुंच गई, शादी का सारा कार्यक्रम हो गया, कलेवा खाने का नंबर आया, खाना खाने का नंबर आया। सुबह का टाइम में चुपचाप बैठा हुआ था, सास ने सोचा लड़का नाराज है, मेरे पास आई, बोली बेटा खाना खाओ, हम बहुत गरीब हैं। गरीब है तो क्या, वो मोटरसाइकिल ले जाइए। मैंने कमाल है, गरीब बता रहे और मोटरसाइकिल दे रही। मैंने खाना नहीं खाया ना कोई जवाब दिया। सास ससुर के पास पहुंच गई, ससुर जी बड़ी बड़ी मूछ रखा के मेरे पास आ, बोले बेटा खाना खाओ, अरे गरीब है तो क्या हुआ, दरवाजे पे मारुति कार खड़ी ले जाओ। मैंने सोचा लोग पीछे पड़ गए मेरे, मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा था कि मेरी शादी मर्जी खिलाफ हो रही थी, मैं नहीं चाह रहा था शादी को, लेकिन देखा ससुराल का मामला, कुछ ना कुछ मांगी लो। दरवाजे पर भैंस बंधी थी, मैंने अगर आप लोग कुछ देना चाहते भैंस हमको दे दीजिए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कितना बेवकूफ आदमी है, 2 लाख की मारुति छोड़ करके 5,000 की भैंस मांग रहा। अरे भैंस से सोच के मांगी, शादी हो गई, बाल बच्चे होंगे, दूध की आवश्यकता पड़ेगी तभी भैंस काम करेगी। लेकिन साहब मामला सब उल्टा हो गया, शादी के बाद हमने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, साल में 2 बच्चे पैदा किए, मगर साहब उस भैंस ने दूध नहीं दिया। अब बड़ा मामला गंभीर, मैंने 2-4 लोगों से पूछा, भाई आप लोग बताइए कैसे क्या हो यार, भैंस दूध कैसे देगी। बोले आप एक काम करिए, ब्राह्मण देवता के पास जाइए, उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। मैं गया, मैं पंडित जी महाराज मुझे दहेज भैंस मिली दूध नहीं दे रही है। अरे बोले चिंता की क्या बात है, चिंता मत करो, जाओ शंकर जी की पूजा करो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। मैं भागा भागा गया शंकर जी के मंदिर, शंकर जी ऊपर चल के बैठ गया, 6 महीने तक बैठा रहा। जब सबने क्या बताया, प्रभु दहेज में भैंस मिली है दूध नहीं दे रही है, शंकर जी इतना बड़ा डंडा उठा के दिया, बोले ले जाओ जहां तुम्हारी भैंस बंधी है, एक डंडा खींच के मारना दूध देने लगेगी। उस डंडे में और यूपीपी के पुलिस के डंडे में कोई फर्क नहीं, अगर कोई शराबी शराब पी के आ रहा हो, सामने से सिपाही हवलदार आ जाए, अगर कहीं एक डंडा खींच दिया, सब मेरे बाप दादों ने भी नहीं पी है, मुझे क्या पी है। अब साहब डंडा लेके मैं घर गया और जहां भैंस बंधी थी एक डंडा खींच के मारा, जैसे ही डंडा मारा कि भैंस हो गई धनाधन, भैंस दूध देने की पोजीशन में आ गई। हमने सोचा 2-4 महीने में आएगी दूध देने लगेगी, डंडा उठा के अलमारी में रख दिया। हमारे दोनों बच्चे स्कूल से पढ़ के आ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, बड़ा वाला कहता तूने काफी फाड़ी है, छोटा कहता तूने स्लेट तोड़ी। लड़ते लड़ते घर के अंदर घुस गया, छोटे वाले बच्चे की नजर उसी डंडे पड़ गई, उसे डंडा उठाया और बड़े वाले का मार दिया। जैसे ही डंडा बच्चे के पड़ा के बच्चा धनाधन, अब मामला बड़ा गंभीर, छोटे बड़े वाले गुस्सा है कि तूने बदतमीजी की, उसे डंडा छिनाया और बड़े छोटे वाले के मार दिया, और जैसे छोटे वाले का पड़ा क्यों भी धनाधन। ये मामला हमारे पिताजी की माताजी खड़े खड़े देख रहे, हमारी दादी माँ जिनकी 70 साल की उम्र थी, उन्होंने सोचा बच्चे लड़ रहे, लो बीच बचाव कर दे। बीच बचाव करने गई, छीना झपटी में डंडा अचानक उनके पड़ गया, और जैसे ही डंडा उनके पड़ा कि वो भी 70 साल में धनाधन। मैंने वाले शंकर जी अच्छा डंडा दिया है, पूरी फसल खराब किए दे रहे हो। मारे गुस्से की डंडा छिनाया, अपने पैर मारा तोड़ डाला, और जैसे हमने अपने पैर मारा कि हम भी धनाधन। अब साहब मैं भगा डॉक्टर के पास, मैंने डॉक्टर साहब मेरे घर में बीमारी फैल गई है। बोले कौन सी, मैंने कहा धनाधन की। अरे बोले यार बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम सुना है, धनाधन कहां से पैदा हुई। मैंने कहा मेरे घर से स्टार्टिंग हुई है, चलिए आप। और जैसे वो डॉक्टर साहब मेरे घर आए तो सबसे पहले वर्मा जी को नजर पड़ गई, वर्मा जी धनाधन खड़े थे। अरे डॉक्टर ने कहा रंपत बीमारी बड़ा भयंकर रूप धारण कर चुकी है, एक गिलास पानी पिलाओ। तब मैं कुछ सोचूं, मैं गया उसी टंकी से पानी भर लाए और डॉक्टर को निकाल के दिया, और डॉक्टर ने पिया कि डॉक्टर भी धनाधन। आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि खाना खाना, नाश्ता करना, पानी मत पीना, क्योंकि उसी टंकी का पानी पूरे नोएडा में सप्लाई हो रहा है। अभी एक सज्जन यहाँ पे बोतल से पी रहे थे, धनाधन हो गए, उठ के चले गए। अब देखिए आपके मनोरंजन के लिए मैं एक डांस करवाता हूँ, बुलाऊं? अरे बोलिए यार आप लोग, हेलो देखा डाले, बच्चे खिलाऊं जाके। हाँ मैं बच्चे खिला रहा हूँ, हाँ तुम मोहल्ले वालों खिला। तो रसी राजी नारे
बहुत ही से गायब है। आ जा रे ओ मेरे दिल वाले आ जा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आ जा रे नूरी ले मूरी, नूरी ले मूरी। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत सामान पता नहीं कैसा होगा। जिधर से आवाज आ रही उधर जा रहा हूं, जिधर से आवाज आ रही उधर जा रहा हूं। जाओ जाओ लाओ पकड़ के। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करे
आपकी इच्छा मारने की है? हाँ है। मारिए मारिए, आराम से मारिए, जगह जगह मारिए। हमारी मारिए, पड़े हुए। अरे पूरा पूरा उत्तर प्रदेश सरकार परेशान था मुनुचुआ के पीछे। आपकी नजर इधर क्यों है? जहाँ अच्छी चीज होती नजर वहीं जाती है, इसको कोई बुरी बात है?
यहाँ अच्छी चीज नजर आ रही है। निगाहें किसी की निगाहों को आप रोक नहीं सकती है। अच्छा आप लोग जितने यहाँ रणुए बैठे चिंता मत करिए, मैं रणुआ सम्मेलन का अध्यक्ष हूँ, नारी निकेतन का प्रेसिडेंट हूँ। आप लोग अपना एप्लीकेशन लिख के भेजिए हमारे पास, चिंता मत कीजिए। अगर आप रणुए तो अफसोस की बात नहीं है। मैडम इन रणुओं का उद्धार कीजिए, हाथ लगा के बात मत कीजिए, इनका बेड़ा पार कीजिए। मैंने बोला ना हाँ जी, हाथ मत लगाइए। हमारी पैदाइशी आदत है, पीछे हटो। पीछे अगर पीछे हट गया हाँ तो इलेक्शन हार जाएंगे। क्यों आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हाथ लगाया, हाथ नहीं लगा रहा, बटन दबा रहा हूँ। पहले मोहर लगती थी, खाली बटन दबता है। अच्छा अच्छा लगे तो फिर आना। आप गाना बोल चलाती है, गाना सुनाई दे रहा ना। वो आपका जो पति ना, वो नालायक। अरे हम जैसे, मैं मुंह नोच लूंगी अब आपका। तो मुंह नोचवा की माँ है क्या? मैडम हम जैसे हैंडसम से शादी कीजिए। नहीं मुझे नहीं करनी। कलर देखिए, डिजाइन देखिए, सब सामान देखिए। अच्छा कलर लग रहा है। टोपी देखिए, सब अच्छा है। अच्छा है ना, वो देहाती से तो अच्छा ही है। अच्छा हाँ, वो है ना वो कौन? वो टकला। कौन टकला? अरे वही तेरे मोहल्ले में रहता है ना। कौन रहता है? मुझे लाइन मारता है। मोहल्ले में कौन रहता है? अरे वो है ना कोई। वो तो नहीं बैठे हुए सामने। बाबा तबीयत ठीक है आपकी? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्यों? आप नहीं समझ रहे, उनका बीच का रोड सब है, साइड सही है। आप एक काम कीजिए, आप गाना सुनाइए। अब देख रहे हैं आप, इनकी उम्र देखिए, जोश देखिए। अच्छा तैयारी देखिए। अच्छा आगे वालों सावधान रहना, अगर पीछे वाले का मौसम बन गया तो आगे वाले का नुकसान हो जाएगा। ए रब्बर जी आई ली जगन बापिया, लाया मुर्ग बनवाओ परदेसी चला। आपका पति परदेसी है? हाँ। तो देसी सामने खड़ा है ना। बस आई ली जगन बापिया, ओ सदा जी आगे लाया मुर्ग बनवाओ। ओ कुड़ी ठीक है ना, आ जाओ बादशाह आ जाओ। आगे बुलाओ। ए इनको आगे बुला लो। ये सरदार जी हमारे पिताजी हैं, आगे नहीं आएंगे। क्यों? वो समझ रहे हैं क्या? मुंडा लाइन में लगा हुआ है। अरे मैं उनसे पर्दा कर लूंगी। ओ पर्दा मत करिए। क्यों? जैसे हमको समझिए वैसे हमारे पिताजी को समझिए। अच्छा हम बाप बेटा दोनों एक ही लाइन के हैं, कमरा एक ही रहेगा, काम दोनों का चलेगा। ओ तबीयत ठीक है ना जी? लगे रहिए लगे रहिए। आई रे जगन बापिया, लाया मुर्ग बनवाओ परदेसी चला। ओ परदेसी चला हमसे कटा गई लगल दान, परदेसी चला हमसे कटा गई लगल दान। दिन में कटा वेदनवा रतिया सुता।
मर्द की डांस करो। सहन सहे अकबर बैठे हुए हैं। एक ही गए जी चिटिया हामू चपरा से मगई भी जैसे भैंस। अच्छा कुछ गाना लगाएंगे आप? गाइए ना। गोरे गोरे गाल वाली काले काले बाल वाली गोरे गोरे गाल वाली काले काले बाल वाली चल चले
मन वाली जानवर है। आप
कमाएंगी, हम बड़े बड़े खाएंगे। ए मियां। हाँ मियां। शर्म नहीं आती है? शर्म किस बात की? तुम जब मारते, तुम जब मारते ना बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा मुलायम मारा करो ना यार। मियां। बीबी। मियां। बीबी। अरे एक तो आपने ऐसा काम किया। काम अच्छा किया। अच्छा किया। अरे नौकरी चली गई, अच्छा तो है। आपको शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की मियां? हाँ? जब मैं कमाऊंगी हाँ? और आप खाएंगे तो ये लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बीवी कमाई खा रहा है। अरे भाई आजकल बड़े बड़े सोसाइटी, हाई सोसाइटी में बीवी सर्विस कर रही, पति सर्विस कर रहा, पति बेचारा बीएससी किया हुए फाइल लिए घूम रहा, बीवी नौकरी कर रही है। अरे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, बात क्या? कुछ तो करता होगा बेचारा। कुछ नहीं करता, फाइल इस दफ्तर उस दफ्तर, इस दफ्तर उस दफ्तर, इस ऑफिस उस ऑफिस, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। ए मियां। हाँ? जब आप कमाई मेरी खाएंगे हाँ? तो ये लोग क्या कहेंगे? ये सब बैठे हुए क्या कहेंगे? ये साला भड़ुआ है, औरत की कमाई खाता है। तूने हमारे जमीर को, तूने हमारे जमीर को ललकारा है। अब मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? प्रदेश जाऊंगा। अरे दुबई जाऊंगा, सऊदीया जाऊंगा, जब किसी काबिल हो जाऊंगा तब तुझे अपनी शक्ल दिखाऊंगा। ठीक है, एक बात सुन ले, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, जब बड़ा हो जाएगा तब आऊंगा। क्या बड़ा हो जाएगा? मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस। अभी तो हम नौकरी करते थे, इधर मेरे जाने के बाद हाँ? किसी तरह कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर आप लोग परेशान हो तो काम चला लेना। ए! अरे क्या करे? अरे मेरे कहने का मतलब, आप लोग गलत समझ रहे, मेरे कहने मतलब ये है, आपकी भाभी अगर चाय पानी की कोई आवश्यकता हो तो चले आना, चाय पी के नाश्ता कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, आता कि नहीं आता? सुनो आप यहाँ तनहा रहेंगी हा? मैं परदेश में रहूंगा हा? मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है। नहीं। एक काम करो। क्या? ये एंटीना पकड़ लो। हाँ ये इसको। अरे क्या कर, छोड़ दे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, पिक्चर कर जाएगी। ये दूरदर्शन का है, इसका मतलब है कि दूर से दर्शन करो। हाँ ये मुझे दे दे जाओ। ये नहीं दूंगा। क्यों? वो दूंगा। क्या दोगे? मोबाइल। ठीक है ना, एक बात सुन, मैं जा रहा हूँ प्रदेश और तुम घर में रहना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? और जब तक मैं ना आऊं आप इसको अपनी बीवी, अरे ये मेरी बीवी है अपनी समझिएगा, ठीक है ना? क्या उल्टा सीधा बोलते हो? अरे ये तुम्हारे देवर है कि नहीं है? तो फिर क्या दिक्कत है? जब पति गए पर दोस्त देवर क्या करेंगे? मैं जा रहा हूं। अच्छा हाय बाय। आप जाओ, जब पैसा लेके आऊंगी तुझे प्यार करूंगी। हाँ बहुत बड़ा लेके आऊंगा। हाँ ठीक है, सऊदी अरब लेके आऊंगा। खामोश, अब मेरे मियाँ दुबई चले गए हैं। है? अच्छा कैसे मालूम है आपको? है? अच्छा बोल कर गए, लेकिन अब मेरा चाहने वाला आएगा। मस्ती करते हो और आप लोग किसी को बताएंगे नहीं, यानी कि किसी किसको? मेरे पति को। अब मेरा चाहने वाला आएगा, मैं उससे बहुत सारा प्यार करूंगी, इतना करूंगी, इतना करूंगी। बीबी बीबी। ओ बीबी। अरे कौन है? हम हैं तेरे चाहने वाले। अरे दरवाजा खोल। चाहने वाले नहीं, चाहने वाले। अरे आइए आइए। अरे वाह जियो। ए आई लव यू बीबी। आई लव यू बीबी। आई लव यू। अरे वो चले गए। चलो दुबई दुबई। कोमा में जाने की आदत हो गई। मारा खुशी के हम कोमा में जा रहे थे। अच्छा तुमने पकड़ लिया। पकड़ लिया ना। ये देखो तुम कहाँ थे।
धक 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 वो नारा वहीं छूट गया। नारा कहाँ छूट गया? वो पड़ा। अरे गिर गया। हाँ कोई बात नहीं, अभी लेके आता हूँ। ये ले। नापो, मोटी हुई पतली, ठीक है ना? तो बिल्कुल साइज का है बीबी। हाँ पता है ना। ये क्यों कम हो गया बीबी? खाना नहीं खाया है ना। पहले हमसे तो ये था। हाँ अब ये क्यों है? बीबी हाँ एक बात तो सुन। बताओ। नाड़ा क्यों लाया? क्यों लाए? तेरे लिए लाया। मेरे लिए? क्यों लाया? हाँ ये तो पूछ। बताओ। नाड़ा तेरा तोड़ा था उस दिन? हाँ हाँ। कैसे तोड़ा था? कैसे तोड़ा था? ओ एक रतिया भौजी को कराया कितना के सर के बाल गिर गए
पहले तो बहुत गंदे हो गए, लगता तो होगा ना? नहीं लगता। अरे तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त है। बड़ा दरवाजा खोल। ये कौन आ गया? अरे बड़ा गजब हो गया। ए कमबख्त, इसी वक्त। अरे मेरा मियां आ गया दुबई से, मैं आपके हाथ जोड़ती। दरवाजा खोल, फाटा लूंगा, चीटा लूंगा। अरे यो, अब उस बदतमीज को भी आ जाना। अरे मैं नहा रही हूँ। नहा रही है? ऐसे चलिया, छुपा ले। ये जवान आवाज कैसे आ रही है? अरे आ रही हूँ। आ रही है तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है? अरे बदबू के मारे मेरा हालत खराब। अरे जाइए जल्दी से जल्दी, बहुत जूते पड़ेंगे मेरे तो। कुले समा ले गया दरवाजा खोल। अच्छा दिखाई दे रहा होगा। बातें करेंगे, सामान अंदर रख। पैसा तो लाओ। अंदर रख क्या? हाँ अच्छे हो ना। हाँ छोटा ले गया। अंदर 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 रख क्या? ये पीछे वाले कमरे में औकात में रखकर समझा। देख रहे हैं आप, दुबई से आ रहा हूँ मियां। हाँ आप कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। कपड़े उतार दे पहले। कपड़े? हाँ। क्यों, क्या हो गया? गर्मी लग रही ना। गर्मी लग रही। हाँ दीदी। हाँ दीदी। अरे दीदी। अरे क्या हो गया दीदी? अरे हवाई जहाज से आ रहा हूँ ना। हाँ हाँ पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया। हाँ तो बड़ा गड़बड़ हो गया दीदी। कपड़े पकड़, कपड़े पकड़ दीदी, कपड़े पकड़। ये ले ये ले, ये तेरे लिए। अरे अरे मेरे लिए लायो। मटर माला बनवा के लाया हूँ, 20,000 रुपए का है वो तो। मुझे मालूम है मियां, ओरिजिनल है दुबई का सोना। मुझे मालूम है मियां, बताइए नहीं। ले पहन लेना दीदी, लौटा ला। अरे ला रही हो? संडास जाऊंगा लेकिन, पखाने जाऊंगा लेकिन जाऊंगा। अरे सुनिए तो। हाँ। संडास मत जाइए। क्यों? उसमें अपनी जो वो कुतिया है ना भूरी। हाँ हाँ क्या हुआ? उसने बच्चे दिए। अरे उसको आज ही बच्चे दे रहे मियां। हाँ उसके बच्चे छोटे छोटे हैं ना। हाँ उसे मत जाइए। अरे अगर मैं बम पुलिस में गया तो पैंट खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बाहर चले जाइए। अरे बाहर ना जाओ, दिल्ली में जगह है बाहर। है ए दीदी आ रही हूँ। पानी ले, पानी पानी देती हूँ। जल्दी ला, बड़ी मुश्किल है। जल्दी ला, जल्दी छूटने वाली है। अरे ट्रेन छूटने वाली है, प्लेटफॉर्म खाली है। लोटे में भी दूध रखा है, ये लेकर चले जाओ बाहर। तेरा दूध है क्या? अरे नहीं चाय बनाने के लिए मंगाया था ना। मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर मत जाइए। लेटिन जाऊंगा। ओह हो पागल हो गई मैं तो। अरे कुतिया हटा दूंगा। उसके बच्चे हैं ना छोटे छोटे। तो बच्चे क्या करेंगे, मैं जा रहा हूँ। हाँ मत जाइए, मैं अंदर ही जा रहा हूँ। पकड़ी गई चोरी। अभी तो मैं दरवाजे भी नहीं पहुंचा हूं। मना कर रही हूं मत जाइए। तू चुप रहे। खाना बना लो। खाना मत बना, पकौड़ी बना। पकौड़ी मत बना, पकौड़ी दे, अंडे उबाल दे। अंडे उबाल लो। हाँ अच्छा बड़ा गजब हो गया, कैसे चोरी छुपाई जाएगी? वो किधर गया? किधर गया?
अब मैं आपके तो गंजे है ही, मेरे भी गंजे करवा दो। चपक लो चपक लो, इन्हें चपकने पड़े, इतने जूते पड़ेंगे मेरे और रहे बचे आपके। क्यों? क्योंकि चोरी तो अब पकड़ी जाएगी। दीदी अरे आ रही हो, ये कुतिया का बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। ऐसा करिए एक कुतिया के बच्चे को दूध पिला दे। अरे दूध नहीं है, चाय वाले को है दूध। इसके मुंह में निप्पल दे दे। अरे बहुत परेशान करती मियां, जल्दी से आप कपड़े उतारे। बीबी बीबी डबल डबल कहां से आ रही है? बीबी आ रही हो, ये तेरी आवाज मोटी कैसे हो गई? सब उतार दीजिए। मूंगफली का पकौड़ा खा लिए, मूंगफली पकौड़ा खा लिए, ले गोभी का सकौड़ा खा ले। अरे आ रही हो, जल्दी खोल लो जल्दी से, इतना टाइम क्यों लगा रही है? अरे आ रही हो, बस 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 बताना नहीं, जल्दी करिए जल्दी से। दरवाजा खोल, इधर यहाँ खड़े हो। इसकी आवाज क्या हो गया है? पाएंगे ना, पहचान पाएंगे। जल्दी कर जल्दी, दरवाजा खोल, मौसम बना हुआ है। बस 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 जल्दी। अरे पांच साल बाद तो लौटा हूँ। सब 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 ऐसे ही होता है, पराई औरत से मौसम दरवाजा खोल। अब गलती नहीं करूँगा। गलती नहीं करोगे ना? हाँ तो चलो चालू रखो अपना काम। इस पे खड़े हो जाओ, ये तो उतार दो। हाँ दरवाजा खोल, बस आ रही हूँ मियाँ, उतार दो जल्दी से, जल्दी उतारो, बस आ गई। ये सब है, दरवाजा खोल। बताइएगा नहीं? बीबी दरवाजा खोल। अरे आ जाओ ना, कब दरवाजा मैंने बंद किया? दिमाग खराब किए रहते। तूने बहुत टाइम लगा दिया मियां। अंडे वाले अंडे, पकौड़ी बनाई, हलवा बनाया, पूड़ी बनाई। तू अंदर जा। लड्डू क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया? ये साला शैतान कहां से आ गया? अरे इसको तो रख दीजिए पहले। तू अंदर रख गया? मैं नहीं छूती इसको। तूने छूती? दूर रख कर आओ। ए, अंदर ले जाओ इसको। अरे मियाँ आप देखा आपने, ये क्या बवाल है मियाँ? हाँ? हमारी वो दादी थी ना। अच्छा दादी? दादी दादी। अच्छा आपके बाप की मम्मी? मम्मी ना, बहुत निकम्मी। क्या हुआ? उनकी मम्मी की मम्मी, नानी की मम्मी की मम्मी, नानी की नानी, नानी की नानी। हुआ क्या? जब आप चले जाते हैं ना। कहाँ? दुबई। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या किया? मैं गई एक दिन, मैंने बोला मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने बोला अच्छा बेटे तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, मैं तुमको पुतला देती हूँ। पुतला? हाँ। कहाँ पुतला? खेलने के लिए। अच्छा आज पुतले खेल रही है? दादी ने दिया है मेरी ये पुतला। हाँ इसे खेलती है तू? बहुत प्यार करती हूँ मैं इसको। अरे मुर्दे से खेलती है मियाँ? क्या जिंदे सब मर गए क्या? ए मेरी, इसमें कोई खास बात है क्या? हाँ मियाँ। क्या खास बात है? ये बहुत अच्छा डांस करता है। अच्छा डांस करा? डांस करा, डांस करा, देखो कैसा डांस करता है। बटन दबा, बटन दबा, याद तो कर लो। हाँ याद कर। कौन सी बटन? कौन सा बटन है? देख ले देख ले, ये लाल वाला। नाच मेरे पुतले।
इसको रोक, अरे रोक, अरे रोक इसको रोक, रोक 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 रोक। अबे ये तो अच्छा पुतला है, बढ़िया पुतला है, ये बटन दबा नाचता है। हाँ मियाँ, मैं बटन दबाऊं? दबाइए। मैं नचाऊं? नचाओ। इस हला पुतला है कि क्या है ये मुसीबत? दीदी क्या, जब तू बटन दबाती सारा डांस करता है, जब मैं बटन दबाता सारा बारूद फेंकता है, जब फिर से दबा। मुझे प्यार करता है। अच्छा, मैं कितने दिन से इसको प्यार कर रही हूँ? तुझे प्यार है? और क्या, तू उससे प्यार कर रही है? हाँ। मैं क्या उधार कर रहा हूँ? और क्या, चल दबा। नाच मेरे पुत्र में। रोक रोक इसको, रोक, अरे रोक। ओए माँ, अभी साला कैसा पुतला है, ये बटन दबाती तो सीधा हो जाता। एक दफा और ट्राई करूं? हाँ हाँ। तूने कौन सी दबाई थी? मैं क्यों बताऊं? हैं? अबे क्या स्विट्जरलैंड से आ गया? हैं? बेबी अम्मा समझ गया क्या? ये साला उतला पुतला कुछ नहीं आ? ये कोई ड्रामा है, अभी देखता हूं, अभी देखता हूं। अबे तू पुतले, अबे मैं परदेश चला गया, तू मेरे घर में हमला कर रहा। अबे टकले, अबे निकल यहां से, निकल। हैं? अबे मेरे घर में हमला क्या? तू नहीं था? हाँ। तेरी औरत ने मुझे बुलाया था। अच्छा, और हम अकेले नहीं है। और कौन है? जिसने और बनुआ कुली कुली भी घुस। अबे मेरे घर को भटियार खाना बना दिया तुम लोगों ने। अबे निकल 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 निकल। अब उसको देखता हूँ कहाँ है। ये अबे अबे वहाँ कहाँ घुसा है? इधर मैं परदेश चला गया और तू मेरे घर में क्या कर रहा था? मेरी औरत किधर ले आए थे? मेरी औरत देने आजा? फट गई थी। क्या फट गई थी? चोली। अबे तो चोली फट गई, चोला ठीक कर रहा है। अब क्या करे, बुलाई था तो आ गए। बुलाया था? हाँ। सिलाई मिली? नहीं। तो हमसे लेता जा। देव। ये ले। निकल निकल। ओ बीबी इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे इधर आ, तेज मारूंगा, पटक के मारूंगा। इधर आ। नहीं मियां, जल्दी से आ। नहीं। अरे इधर आ मियां। हाँ। अबे कुली इधर आ। क्यों बे, अभी तक तू क्या कर रहा हो बाहर बैठा? आपको हम लेके आए थे। हाँ लेके आया था। आपने पैसा नहीं दिया था, आपकी बीबी ने बुलाया था हमको देने के लिए। देने के लिए ले ली। अभी कहाँ दिया है? तो अब ले निकल, अब निकल। इधर आ, तू इधर आ। नहीं दिया। तू इधर आ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। मारोगे तो? नहीं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। मेरी कसम। तेरी कसम नहीं मारूंगा। आ तो जल्दी आ। दीदी इधर आ। नहीं मारोगे? नहीं मारूंगा। इधर आ। अरे बाप रे, चिल्ला क्यों रहे हो? आ जा आ जा, प्यार से बुला रहा हूँ। वो उसको फेंको, उसको। हाँ ये लो,
मन 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 आजा 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 मेरी बकरी आजा आजा। ये लोग जो घर में घुसे हुए थे हाँ। ये लोग कौन है मियाँ? हाँ मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा मैंने इनसे ब्याज के पैसे लिए थे। अच्छा लोग ब्याज मांगने आए थे, कह रहे मुझे पैसे दो मुझे पैसे दो। तो जब ब्याज मांगने आए थे तो लेटरिन के अंदर क्या कर रहे थे? को लेटरिन लगी थी। अच्छा अच्छा वो कुली क्या कर रहा था? आपने पैसे नहीं दिए थे। वो सारा क्या कर रहा था? वो चप्पल टूट गई थी। हाँ। पुरानी हो गई, इतने दिन के बाद आ पाए। अच्छा, मैंने बोला चप्पल बना दे। ऐसा है सुन, अब तुझको इतने जूते मारूंगा। अरे मिया, अरे समझे, मैं परदेश गया और तूने घर में पूरी फिल्म दुनिया तैयार कर दी। मिया है? चप्पल मत मारना, बता दिया मैं तलाक दे दूंगी। हम मैं खुद तलाक दे रहा हूँ। तेरा मेरा तलाक तलाक तलाक। तो भैया भल्लू आ जाओ मेरे पास। आओ तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको रखेंगे। आओ। अरे अरे कहाँ रखेंगे? वेतन एक नंबर काहे के लिए बनी है? प्लेटफॉर्म पे। हाँ तलाक चलो तलाक। तेरी माँ से भी कहा।